क्लास टेंथ एक्सरसाइज 2.2। तो हमने इसका भी पहला क्वेश्चन ही शुरू किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर वन में जैसे आपको पता ही है कि क्या निकालना है, इसमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं और फिर वेरिफिकेशन करनी है किस किस बीच में, किस किस के बीच में, जीरोस और कोफिशेंट्स के बीच में। तो आज हम इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट करने लगे हैं। तो फोर्थ पार्ट क्या है, 4u² + 8u। ये कोई इतना मुश्किल नहीं बनने वाला है, ये क्वेश्चन सिंपल ही है क्योंकि इसमें स्प्लिटिंग कुछ नहीं करनी है, दो ही तो टर्म है बस। तो इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं आपने। पहले तो इसको लेट कर लो, लेट। क्वेश्चन किस में है, यू में है ना ये, तो पी यू मान लो इसको। पी यू इक्वल टू किसके बराबर, 4u² + 8u। तो अभी से ही कामन निकाल लो दोनों में क्या कामन आ रहा है। एक तो 4 कामन आ रहा है क्योंकि 4 अपने टेबल में भी आता है और 8 जो है वो भी 4 के टेबल में आता है, और यू स्केयर और यू, कम से कम यू तो है ही है ना दोनों तरफ। एक बार पीछे क्या बचा, यू रह गया और साथ में क्या रहा, ये 4 2 8। ये हो गई बस इसकी फैक्टराइजेशन हो गई इसके, ठीक है। अब टू फाइंड जीरोज फाइंड आउट करने के लिए हमें पी यू को क्या मानना पड़ेगा, 0 के बराबर मानना पड़ेगा। तो देयर फोर पी यू हमने क्या निकाला, ये निकाला 4u u + 2 = 0। अब आइदर या तो 4u 0 के बराबर, विच इंप्लाइज यहां से u क्या मिला आपको, 0 को 4 से डिवाइड करना है, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है, 0। तो u की वैल्यू क्या आ गई, 0। या फिर इसको 0 के बराबर लेना पड़ेगा, और u + 2 = 0। यहां से u की वैल्यू कितनी आ गई, 2 को आप क्या करके 0 के पास ले गए, 2 प्लस का था, ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो u की वैल्यू कितनी आ गई, -2 हो गई। तो देयरफॉर जीरोस आर, तो क्या क्या जीरो आया, एक जीरो और एक क्या आ गया, -2। अब क्या करना है इसकी वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में एक तो सम ऑफ जीरोज लिया जाता है, सम ऑफ जीरोज, दो जो जीरोज हैं उनको ऐड कर लो, जीरो में प्लस करना है -2, प्लस इनटू माइनस -2। जीरो में से 2 गया तो कितना हो गया, -2, और ये किसके बराबर आना चाहिए, ये आना चाहिए माइनस कोफिशेंट ऑफ यू एक मिनट कोफिशेंट ऑफ ये बाहर जा रहा थोड़ा यू डिवाइडेड बाय कोफिशेंट ऑफ यू स्क्वेयर। अब चेक कर लो कि क्या ये टैली हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखो, ये क्या था, माइनस का साइन लगाया और कोफिशेंट ऑफ यू, यू का कोफिशेंट ढूंढ लो, यहाँ पे क्या 8 है और उसको डिवाइड करना है कोफिशेंट ऑफ यू स्क्वेयर, यू स्क्वेयर का कोफिशेंट क्या 4 है, 4 1 4 4 2 8। तो क्या आया, -2, यही तो चाहिए था आपको। अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दोनों जीरो को मल्टीप्लाई कर लो, जीरो को मल्टीप्लाई करना -2 के साथ, जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0, और ये किसके बराबर आना चाहिए, ये आना चाहिए कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय, ये नीचे वाला तो सेम ही रहता है, कोफिशेंट ऑफ यू स्क्वेयर। और इसको भी देख लो कि क्या वाकई में ऐसा है भी, ये बिल्कुल है क्योंकि देखो ये आपके पास है पॉलिनोमियल, इधर कांस्टेंट टर्म, तीसरी टर्म तो कोई है ही नहीं है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, 0। तो 0 को मैं किससे भी डिवाइड करता रहूँ तो आंसर क्या आना है, 0 ही तो आना है। अब इसका अगला पार्ट देखो,
इम्पॉर्टेंट है वो पार्ट। फिफ्थ पार्ट, इसमें जो आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस 15। ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा इसको फार्मूले के मुताबिक हमने करना है। लेट कर लो, क्योंकि यहाँ पे भी कितनी टर्म है, दो ही टर्म है ना। लेट, ये टी में है ना क्वेश्चन, तो इसको पी टी मान लेंगे। लेट पी टी इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15। मैं इसको री राइट करूँगा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये 15 का रूट किया और उसका स्क्वायर कर दिया। क्यों ऐसा किया, रूट 15 का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो ये कट के द्वारा क्या आ जाएगा, 15 ही आ जाएगा। जब कट के 15 ही आना था तो ऐसा क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे को फार्मूला बनाना था। ये फार्मूला बन गया अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस करना होता है ए प्लस बी, और एक बार क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो ये एक बार कर दिया मैंने प्लस और एक बार कर दिया माइनस। फार्मूला क्या लगाया मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो क्या होता है ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी। अब टू फाइंड जीरोस, जीरोस फाइंड आउट करने के लिए ये जो पी टी है इसको आपको क्या मानना पड़ेगा, जीरो मानना पड़ेगा। तो देयर फोर टी प्लस रूट 15, क्योंकि पी टी का तो ये आंसर निकाला था ना, और टी माइनस रूट 15 ये जीरो, फिर वही आइदर टी प्लस रूट 15 इक्वल टू जीरो, यहाँ से टी की वैल्यू क्या मिली आपको, रूट 15 को जीरो के पास ले आओ तो माइनस रूट 15 हो गया, और टी माइनस रूट 15 इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या मिल गई आपको, प्लस में मिल गई, रूट 15 मिल गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे इसके। तो जीरोज आपके पास आ गए, पहले लिख लेते हैं, देयरफॉर जीरोज आर, क्या क्या आया जीरो, एक तो आया माइनस रूट 15 और दूसरा क्या आ गया, प्लस में रूट 15। वेरिफिकेशन, पहले सम ऑफ जीरोज, माइनस रूट 15 और उसमें प्लस करना है रूट 15, दोनों रकमें सेम है, साइन उल्टे हैं, तो ये कैंसिल होके क्या आ गया, जीरो आ गया। और ये किसके बराबर आना चाहिए, ये आना चाहिए माइनस कोफिशेंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोफिशेंट ऑफ टी स्क्वायर, तो इसको ज्यादा जांच पड़ताल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखो अगर तो टी का तो कोई कोफिशेंट है ही नहीं है, ऊपर वाली टर्म क्या आ गई जीरो, तो जीरो को मैं किसी से भी डिवाइड करता रहूं तो आंसर क्या आना, जीरो ही आना है। और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दोनों को मल्टीप्लाई, माइनस रूट 15 को मल्टीप्लाई करना रूट 15 के साथ, माइनस का साइन तो आना ही आना है, रूट 15 इंटू रूट 15, देखो इसको कैसे सॉल्व कर किया जाता है, रूट 15 को रूट 15 के साथ जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये आ जाता है रूट 15 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म होके क्या आ गया, 15 आ गया। तो ये कितना आ गया, माइनस 15। और ये किसके बराबर आना चाहिए, ये आना चाहिए कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, तो ये भी ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या थी, एंड वाली टर्म देख लो माइनस 15, उसको डिवाइड करना है कोफिशेंट ऑफ टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का कोफिशेंट क्या था, 1, तो माइनस 15 को हमने 1 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, माइनस 15 ही आएगा। सिक्स्थ पार्ट आपने इसको खुद करना है, क्योंकि ये सिक्स्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर इसी का जो क्वेश्चन के फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट की है ना,
बिल्कुल सेम टू सेम है, तो इस क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई करना। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ, कॉपियों पे नोट कर लेना।